Hey, what's up, lovely people? So, आज की वीडियो में बात करने वाले भाई अपने करंट ग्राफिक्स कार्ड की मार्केट के बारे में, यानी कि भाई आप जैसे जानते हो भाई इस ईयर की शुरुआत से ही भाई हम लोग के यार ग्राफिक्स कार्ड में अब भाई बहुत ज्यादा प्राइस हाइक देखने को मिला है। मतलब यार अपने ग्राफिक्स कार्ड जो बजट सेगमेंट के होते थे भाई वो डबल से भी ज्यादा प्राइस के भाई बिक रहे थे। और अब यार लाइक आधा साल बीतने के बाद भी यार लाइक 7 months तो ऑब्वियसली हो ही गए, तो 6-7 months तो हो ही गए, तो भाई क्या हम लोग को प्राइस में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली या फिर प्राइस डाउन हुए या नहीं, तो इसी वीडियो में आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले भाई। अपने चैनल पे ऐसे पीसी और गेमिंग रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लूँ आप अपने सबसे पहले देख पाओ। सो बिना किसी तरह के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई जैसे कि आप जानते ही हो यार यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस भाई कितने ज़्यादा चल रहे थे भाई। वो किसी भी सेगमेंट का जीपीयू हो, अपने बजट फ्रेंडली एंट्री लेवल के जीपीयूज हो, मीडियम लेवल के जीपीयूज हो, या फिर भाई बहुत ही हाई एंड जीपीयूज हो, भाई सभी में हम लोग को प्राइस इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था इस ईयर की शुरुआत से ही। सो भाई अभी मैं आपको एकदम लेटेस्ट आज के प्राइसेस बताने वाला हूँ, और ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द वीडियो भाई इसी के आसपास के प्राइस होने वाले, मे बी भाई आगे शायद और प्राइस कम हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि भाई इस साल तो MRP पे आपको तो भाई कोई भी ग्राफिक्स कार्ड मुश्किल ही है मिल पाए। सो आज मैं यार आपको सभी GPUs के प्राइसेस के बारे में बताने वाला हूँ भाई, अपने NVIDIA के बजट सेगमेंट के सीरीज, जो अपनी भाई AMD की न्यू 6000 सीरीज आई थी उन्हीं सब GPUs के बारे में बात करने वाले हैं। सो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला भाई अपना जो GPU आ जाता है वो आ जाता है भाई अपना सबसे प्यारा दुलारा, जो भाई सबसे ज़्यादा चलता था पहले यार आज से कुछ साल पहले, वो अभी भी चल रहा है यार जस्ट बिकॉज ऑफ दिस GPU क्राइसिस, तो वो अपना भाई NVIDIA की तरफ से उनका GeForce GTX 1050 Ti। अब आप सोच रहे हो कि भाई 1650 मिलता 1050 Ti, क्योंकि भाई 1650 के भी अच्छे खासे प्राइजेस हैं, तो लोग भाई लाइक जो अभी भी PC बिल्ड कर रहे हैं, जो मे बी हाई एंड कार्ड लगाना चाहते हैं, लेकिन भाई वो इस समय जो प्राइस हाइक चल रही है उसके चक्कर में वो अपने उनके बजट में नहीं आ पा रहा है, तो फ्यूचर में लेने का सोच रहे हैं, लेकिन वो अभी के लिए एक एंट्री लेवल GPU अपने PC में लगाना चाहते हैं, तो भाई 1050 है, इसीलिए मैं उसकी प्राइसिंग बता रहा हूँ। तो भाई आपको 1050 अभी की करंटली मार्केट में अगर मैं जहाँ से मैंने प्राइस लिए हैं भाई वो है भाई नाजा मार्केट हजरतगंज लखनऊ, यहाँ पे भाई UP की मैं बात कर रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर आप लोग GPUs बाय करना चाहते हो तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में भाई सारा एड्रेस दे दूंगा भाई, तो वहाँ पे आप जाके GPUs बाय कर सकते हो। आपको PC बिल्ड कराना है तो भाई वो भी आप स्टोर से काफ़ी सारे वहाँ पे देने को मिल जाते हैं, वहाँ से आप PC बिल्ड भी कर सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड भी अपने बाय कर सकते हो। सो भाई 1050 Ti की प्राइसिंग चल रही है आजकल लाइक 50,500 rupees के आसपास, जो कि थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा है इसमें। वैसे तो नॉर्मल अराउंड जब नए जनरेशन GPUs आ गए थे तो अभी के हिसाब से तो भाई प्राइस उसकी काफ़ी कम हो गई थी जब नॉर्मल डेज चले थे, तो आजकल तो भाई ऐसा क्या ही चल रहा है, GPU क्राइसिस आप जानते ही हो, तो इसमें भाई आपको ये 15,000 to 16,000 rupees के बीच में देखने को मिल जाएगा अपना 1050 Ti। अपने नए GPU के बारे में आ जाते हैं, यानी कि भाई जो अभी भी NVIDIA में लेटेस्ट में और बजट सेगमेंट में सीरीज में चल रहे हैं अपने, यानी कि GTX 1650 जो पहला अपना GPU आता है, तो वो भाई सब उसकी प्राइसिंग चल रही है अराउंड 20,000 to 21,000 rupees, जो कि भाई पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लाइक इसका नॉर्मल प्राइस होता था 12,000 to 13,000 rupees, और अभी सब करंट में जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो है भाई लाइक 21,000 rupees। नेक्स्ट GPU पर आ जाते हैं, जो कि भाई अपना लाइक सबसे फेमस, सबसे बजट फ्रेंडली, नॉर्मल डेज में जब उसके नॉर्मल प्राइस चलते थे तो भाई बहुत लोगों ने इस GPU को बाय किया, क्योंकि भाई ये ऐसी वैल्यू ही ऑफर करता था आपको, और भाई 1080p गेमिंग तो भाई बहुत ही बढ़िया करवा के देता था। तो भाई इस GPU का नाम है भाई 1650 सुपर, आप डेफिनेटली सब लोग जानते ही होंगे। तो भाई इसका प्राइस अभी करंट मार्केट में चल रहा है अराउंड 25,000 rupees से लेकर 30,000 rupees की, यानी कि भाई जो जैसा भी आप वेरिएंट ले रहे हो, सबसे लो बजट का वेरिएंट ले रहे हो, तो भाई आपको लाइक 25 to 26K में आपको देखने को मिल जाएगा रुपीज़ में। और अगर आप थोड़ा हायर एंड वेरिएंट ले रहे हो, जैसे लाइक गेमिंग एक्स या फिर ऑरस का कोई लेते हो, स्ट्रिक्स वेरिएंट लेते हो, तो आपको अराउंड 30,000 rupees के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से प्राइस ऑब्वियसली भाई प्राइसेस तो ज़्यादा है ही, लाइक आपको नॉर्मल डेज में 1650 सुपर 14-15,000 के आसपास का देखने को मिल जाता, तो अभी तो भाई जस्ट डबल प्राइस इसके चल रहे हैं। नेक्स्ट GPU के तरफ आ जाते तो भाई वो था भाई अपना GTX 1660 Super, जो कि भाई लिटरली बहुत पॉपुलर GPU था, लाइक बजट 1080p e-sports हाई रिफ्रेश गेमिंग के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस था। हाई रिफ्रेश रेट अगर आपको गेमिंग करनी वो भी 1080p रेजोल्यूशन पर रहेगी, तो भाई 1660 सुपर अपना बजट में रह के बहुत ही अच्छा गेमिंग GPU है, और इसकी प्राइस भाई अराउंड इस समय चल रही है भाई 45,000 rupees, जो कि भाई नॉर्मल प्राइस की लाइक अराउंड 20,000 rupees के आसपास की रहती थी, 18,000 से लेकर 21,000 के बीच में रहती थी, इस समय भाई इसका प्राइस चल रहा है 45,000 rupees, और जैसे ही आप वेरिएंट्स बढ़ाते जाओगे तो उसका वैसे ही प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। फिर आ जाते हैं भाई अपनी
RTX सीरीज में यहाँ पे भाई अपनी GTX सीरीज करता हूँ। आप लोग सोच रहे हो भाई AMD में भी तो बजट GPUs आते थे लाइक RX 570 580, वो भाई इस समय मार्केट में जहाँ से मैं यार प्राइसेस लेके आऊँ भाई वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। और अगर अवेलेबल होते भी, जैसे कि मेरे को प्राइस उनकी थोड़ी बहुत पता, जैसे कि RX 570 का भाई प्राइस है अराउंड 50K भाई, 50,000 के आसपास का भाई वो ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है RX 570 8GB वेरियंट, और 580 का भी अराउंड 60,000 के आसपास है। तो भाई इतना ज़्यादा यार कौन बाय करने वाला भाई। 570 4GB की अगर बात करूँ तो भाई वो नॉर्मल डेज में लाइक 10-11,000 के आसपास का मिलता था, 8GB की बात करें तो भाई लाइक 15,000 के आसपास का मिलता था, और अगर 580 की बात करें तो वो लाइक 17-18,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता था। आजकल भाई प्राइसिंग ऐसी चल रही कि भाई AMD के वो जो बजट GPU जो सबसे बजट किंग कहलाते थे, तो भाई अभी के लिए हिसाब से तो लेना भाई बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। आप 1650 के साथ जा सकते हो, वो भी आपको डिसेंट प्राइस पे देखने को मिल जाएगा अभी की मार्केट को मन में रखते हुए। नेक्स्ट वेरिएंट भाई वो अपनी RTX सीरीज यानी कि भाई RTX 2060 पुरानी जनरेशन, क्योंकि भाई 3060 की ऑलरेडी इतने प्राइस है, तो भाई 2060 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भाई अराउंड आपको 50,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा यार मार्केट में। और 2060 सुपर की बात करें तो भाई ये तो अवेलेबल ही नहीं है आजकल, और अगर आपको मिलेगा भी तो भाई वो वैल्यू ऑफर आपको नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपको 2060 सुपर भाई अगर आजकल मार्केट में मिल भी जाता तो उसका प्राइस भाई बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है RTX 3060 के जो आजकल मार्केट में प्राइस चल रहे हैं। तो 2060 सुपर भाई कोई क्यों ही लेगा जो पुरानी जनरेशन का GPU है। तो यहाँ पे तो भाई अपनी सारी वेरिएंट्स हो गए। 2070 सुपर जी तो ये तो आजकल रेलिवेंट बनती नहीं, यानी 2080 Ti ये सब तो भाई आजकल रेलिवेंट है ही नहीं कार्ड्स। अब आते हैं भाई अपनी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सीरीज की, यानी कि भाई एनवीडिया पे अभी हम लोग रहने वाले हैं। एनवीडिया की RTX 3060 जो कि भाई आजकल की मार्केट में लाइक बहुत बिक रहा है भाई, प्राइजेस तो इसके खतरनाक है ही, लाइक जस्ट डबल प्राइजेस। देखिए एनवीडिया ने भाई आपको क्या अनाउंस किया था कि वो इंडिया में उनका जो फाउंडर्स एडिशन मॉडल है वो आपको 3060 30,000 रुपीज में आपको देखने को मिल जाता। लेकिन भाई अगर आप लोग थर्ड पार्टी लाइक कंपनीज के बारे में बात करो, ब्रांड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे गीगाबाइट MSI, तो उनके भी वेरिएंट हम लोग लाइक 32,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आजकल की प्राइसिंग की बात करें तो भाई आपको 60,000 रुपीज़ का आसपास देखने को मिल जाएगा RTX 3060 जो कि भाई आप जानते हो 12GB ऑफ VRAM के साथ आता है, GDDR6 2, जो कि भाई VRAM के हिसाब से भाई वो GPU काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। जो सबसे अच्छी वैल्यू ऑफर करता है वो है भाई उसका बड़ा भाई यानी कि RTX 3060 Ti, जो कि अभी के हिसाब से भाई वो बिल्कुल भी एक्सटेंट GPU है, मतलब आपको मार्केट में अंदर भाई मिलने नहीं वाला भाई। आप चाहे ऑनलाइन सर्च कर लो चाहे ऑफलाइन मार्केट में सर्च कर लो भाई 3060 Ti मिल ही नहीं सकता आपको। और अगर इसकी अगर आपको मिल भी गया तो इसकी प्राइसिंग होने वाली भाई अराउंड 85-90K, यानी कि भाई 85,000 रुपीज़ से लेकर 90,000 रुपीज़ के बीच में, जो कि भाई मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है भाई। इसका नॉर्मल प्राइस अगर हम लोग फाउंडर्स एडिशन की बात करें तो भाई वो अराउंड 36,000 रुपीज़ का, और अगर आप रेफरेंस कार्ड की बात करें यानी कि जो आपको थर्ड पार्टी का ब्रांड की तरफ से देखने को मिल जाते वो अराउंड आपको नॉर्मल प्राइसिंग में 40K के आसपास देखने को मिल जाता था, यानी कि 40,000 रुपीज़। लेकिन भाई उसकी डबल से भी आजकल ज़्यादा प्राइसिंग चल रही, तो इस बारे में हम लोग क्या ही कह सकते हैं भाई, मार्केट ऐसी है तो कुछ कर भी नहीं सकते भाई। हम लोग गेमर्स की तो लगी पड़ी है, माइनर्स के तो भाई बल्ले बल्ले हैं, क्या ही किया जाए। नेक्स्ट जीपी की तरफ आ जाते तो भाई वो अपना RTX 3070 जिसका भाई प्राइस चल रहा है अराउंड 90-95,000 रुपीज़ के बीच में, जो कि मेरे हिसाब से लाइक ओके है, ठीक है भाई करंट मार्केट को ध्यान में रखते हुए तो ठीक ठाक प्राइसिंग है। 3070 Ti भाई उसके एल्डर ब्रदर के बारे में बात करें तो भाई वो आपको मिल जाएगा अराउंड 1,00,000-1,10,000 रुपीज़, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। और नॉर्मल प्राइसिंग के हिसाब से लाइक भाई 3070 Ti अपनी कितनी प्राइसिंग पे आता है, लाइक 50-55,000 रुपीज़ अगर नॉर्मल प्राइसिंग MRP की बात करें तो उससे तो भाई जस्ट डबल ही है। देख ही सकते हो आप फंड मतलब 1,00,000 से 1,10,000 के बीच में आपको 3070 Ti देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अब आ जाते भाई एकदम ही सुपर हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड की तरफ, तो भाई वो है अपना RTX 3080 फैन फेवरेट, अगर भाई वो अपने प्राइस पे आ रहा हो तो अभी के हिसाब से भाई वो भी अच्छा वैल्यू फॉर मनी कार्ड होता है, क्योंकि वो हाई एंड सीरीज बहुत ही अच्छा कार्ड है अपनी अगर MSRP की बात करें। लेकिन भाई उसके आजकल जो प्राइसिंग चल रही है पहले से तो कम हुई है, अगर जो प्राइस हाइक जब भी हुए थे भाई जो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ था तब शुरुआत में भाई आपको RTX 3060 मार्केट में लाइक 2,00,000 के अराउंड आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी यार ये जो जुलाई का महीना है जो भाई इसमें एंड होने वाला है, ऑब्वियसली अगस्त में अभी आपको और प्राइस डाउन देखने को मिले, लेकिन जो अभी प्राइसिंग चल रही है RTX 3080 की वो है अराउंड 1,60,000 रुपीज़ या फिर 1,70,000 रुपीज़ के आपको अकॉर्डिंग टू वेरियंट्स आपको ये प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। 3080 Ti की बात करें तो भाई वो भी अराउंड ऐसी प्राइसिंग के आपको देखने को मिल जाएगा 1,60,000-1,70,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा।
द बिग बॉय की भाई बात कर लेते, जो कि भाई नॉर्मली या सबसे बड़ा कार्ड है एनवीडिया की तरफ से भाई, वो है आरटीएक्स 3090, जो कि आपको अभी की करंट मार्केट में देखने को मिल जाएगा अराउंड 2 लाख रुपीज़ to 2 लाख 10,000 रुपीज़, जो कि भाई एक ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा मनी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे होती है भाई अपनी एनवीडिया की सीरीज, एंड अब आ जाते हैं भाई एएमडी की नई सीरीज पे, जो कि है भाई अपनी RX 6000 सीरीज। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे भाई 5000 सीरीज क्यों नहीं, क्योंकि भाई 5000 सीरीज पहली बार तो अनअवेलेबल है, कई कई जगह तो भाई डिसकंटिन्यू हो चुकी, कई कई जगह तो भाई रिटेलर्स कार्ड्स रखते ही नहीं, क्योंकि भाई 6000 सीरीज ही भाई अभी नहीं आई है, वो रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करती, तो भाई कोई क्यों 5000 सीरीज लेगा, जो कि भाई पुरानी जनरेशन के हैं, और पहली बात तो वो इसी इन्हीं कार्ड के आसपास भाई प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। तो भाई ऑब्वियसली सब लोग अगर AMD GPU लेना ही चाह रहे तो भाई वो 6000 सीरीज ही बाय करने वाले। तो भाई 6000 सीरीज में भाई अपना सबसे पहले GPU आता है AMD Radeon RX 6700 XT, जिसकी भाई आजकल प्राइसिंग चल रही है 85000 रुपीज़ से लेके भाई 90000 रुपीज़, और ये भी भाई एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी कार्ड होता भाई, अगर नॉर्मल डेज की बात करें तो भाई आपको ऑफलाइन मार्केट में 50000 रुपीज़ का अराउंड देखने को मिल जाता था, अगर मैं इसकी MSRP की बात करूं, लेकिन भाई आजकल की प्राइसिंग के हिसाब से ये आपको 85000 रुपीज़ से लेके 90000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिल जाएगा। भाई फिर नेक्स्ट GPU के बारे में बात कर ले, जो कि है भाई RX 6800 नॉन XT वेरियंट 6800 है भाई, जिसमें भाई इन कार्ड्स में तो भाई कमाल की आपको VRAM देखने को मिलती है। 6700 XT में आपको जानते हो 12GB GDDR6, 6800 XT में भी 16GB आपको VRAM देखने को मिल जाती है। ये भाई आपको कार्ड मिल जाएगा भाई अराउंड 95000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़ के बीच में, और इसके बड़े भाई के बारे में बात करें तो भाई 6800 XT द बिग बॉय, तो भाई ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा अराउंड 1 लाख 10,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख 15,000 रुपीज़ के बीच में, आप 1 लाख 10,000 रुपीज़ का एवरेज प्राइस देख के मान सकते हो। और अगर हम लोग 6900 XT के बारे में बात करें, जो कि भाई है सबसे बड़ा भाई AMD में सबसे हाई एंड GPU, एकदम भाई इससे ऊपर कोई भी GPU नहीं आता है AMD की तरफ से, जो कि है भाई 6900 XT, जो कि आप करंट मार्केट में देखने को मिल जाएगा अराउंड 1 लाख 60,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख 65,000 रुपीज़ के बीच में। तो ये होती भाई यहाँ पे अपनी लिस्ट एंड, और अगर मैं बताऊँ भाई कि आपको कौन सा GPU बाय करना चाहिए, तो अगर आप भाई एक बजट फ्रेंडली PC बिल्ड कर रहे हो तो भाई आप 1650 के साथ ही जाओगे, क्योंकि RX 570 तो पहली बार भाई मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि जानते हो भाई नॉर्मल डेज में कितना बिकता था भाई RX 570 स्पेशली 4GB वेरियंट, तो भाई उसकी प्राइस भाई डबल ट्रिपल है भाई, तो क्यों ही कोई लेगा यार। ऑब्वियसली 1650 की भाई प्राइसिंग थोड़ी कम हुई है, लाइक वो नॉर्मल डेज में 12-13 हज़ार का मिलता है, तो अभी आपको 20,000 रुपीज़ का मिल रहा है, तो भाई क्या ही करोगे। अगर आपको बजट फ्रेंडली बिल्ड करना है तो डेफिनेटली आप इसी GPU के साथ जा सकते हो। अगर आप एक हाई एंड बिल्ड करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको AMD GPUs मिलते हैं, यानी कि 6700 6800 ऐसे GPU मिल जाते हैं, तो भाई वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू ऑफर करेंगे रैदर देन भाई NVIDIA के GPUs, लेकिन भाई उनकी टेक्नोलॉजीज की वजह से भाई लोग ज़्यादा उन्हें प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ RTX एंड भाई DLSS 2.0, क्योंकि भाई उसमें आपको फ्रेम रेट ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे इन कंपैरिजन टू AMD। लेकिन भाई AMD की भी टेक्नोलॉजी आ गई है भाई FSR, वो सारे GPUs में सपोर्ट करती हैं अपने, तो कंपटीशन तो टकरा है, लेकिन भाई अगर हम लोग को यार ये सब नॉर्मल प्राइस में देखने को मिले तो बहुत ही अच्छी बात होती है, और देखते हैं कि भाई प्राइस कम होने वाले हैं। अगर आप लोग उम्मीद करो कि भाई इस साल कम होने वाला है, और जो भी भाई ये सब न्यूज़ फैला रहे कि भाई प्राइस हो ही जाएंगे यार इसी साल कम, तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत भाई ड्रॉप देखने को मिला हम लोग को प्राइस में, बट एकदम तो भाई MSRP पे आपको इस साल तो देखने को नहीं मिलने वाले सारे GPUs। तो भाई मैंने सबको आपको सारे GPUs की आपको प्राइसिंग बताई दी, वीडियो कैसी लगी भाई मेरे को डेफिनेटली ज़रूर बताना यार, अच्छी लगी तो लाइक कर दो भाई, ऐसे ही लेटेस्ट आपको अपडेटेड रहना है भाई इन्हीं भाई करंट मार्केट को लेके, CPU GPU भाई आपको पूरे PC बिल्ड रिलेटेड भाई कुछ भी आपको अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, और सारी प्राइसिंग आपको देखने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई, सबके लिंक्स मिल जाएंगे, और मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर सकते हो भाई, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, फेसबुक ग्रुप भी अपना ज्वाइन कर सकते हो, और भाई जैसे मैंने बताया दिया आपको भाई हमारे यहाँ की नाजा मार्केट यानी कि हजरतगंज में जो भाई लखनऊ में आपको देखने को मिल जाती है, वहाँ की भी आपको भाई एड्रेस देखने को मिल जाए, यानी कि आप जाके ऑफलाइन अपने GPUs बाय कर सकते हो, या फिर आप अपना PC बिल्ड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो बस यार आज की वीडियो में इतना, एंड आई विल ऑल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।